झारखंड विधानसभा में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दी गई श्रद्धांजलि, अध्यक्ष भी रहे मौजूद। झारखंड विधानसभा में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सहित सभी कर्मी मौजूद रहे। श्रद्धांजलि देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, प्रणब दा का लंबे इलाज के बाद स्वर्गवास हो गया। इनका देहावसान भारतीय राजनीति में स्वर्णिम युग की समाप्ति कहा जाएगा। वो राजनीति के परस्पर विरोधी के बीच हमेशा पुल का काम करते थे। उनका व्यक्तित्व अनुकरणीय रहा। उन्होंने जो छाप छोड़ी उसे भुलाया नहीं जा सकता और न तो उनकी रिक्त को भरा जा सकता है। झारखंड के रामगढ़ में प्रतिबंधित संगठन PLFI के 3 सदस्य गिरफ्तार, 5 फरार। झारखंड में पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के 3 सदस्यों को रामगढ़ में गिरफ्तार किया गया है। रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 5 सदस्य अभी फरार हैं। उनकी तलाश चल रही है। बता दें कि PLFI भारत में प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सशस्त्र शाखा है। झारखंड में कोरोना के खौफ के बीच हुई JEE मेन की परीक्षा, छात्र बोले साल बर्बाद होने से बचा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच JEE मेन परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई। झारखंड में परीक्षा में शामिल होने वाले 23,000 विद्यार्थियों के लिए 5 शहरों में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 6 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा के लिए रांची, धनबाद और जमशेदपुर में 2-2 जबकि हजारीबाग और बोकारो में 1-1 परीक्षा केंद्र बनाए गए। झारखंड में 1 सितंबर से 8 केंद्र पर JEE मेन परीक्षा, यहां बनाए गए परीक्षा केंद्र। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच JEE मेन परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई। झारखंड में 23,000 बच्चों के लिए 5 शहरों में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 6 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा के लिए रांची, धनबाद और जमशेदपुर में 2-2 जबकि हजारीबाग और बोकारो में 1-1 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा केंद्रों पर इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रवेश और निकास में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन के साथ परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर दिए जाएंगे। केंद्र पर कंप्यूटर की संख्या बढ़ाने के साथ ही एक आइसोलेशन रूम भी बनाया गया है। कोरोना के कोई भी लक्षण पाए जाने पर ऐसे छात्रों को आइसोलेशन रूम में बैठाया जाएगा। झारखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव में जेडीयू ने बीजेपी से की 1 सीट की मांग, मिला यह जवाब। झारखंड में 2 विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है। दुमका और बेरमो विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए झारखंड जेडीयू ने बीजेपी से 1 सीट की मांग की है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष सालखंड मुर्मू ने कहा कि झारखंड में जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष अपने मांग वाली प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जेडीयू बीजेपी से आश्वासन चाहती है कि वो दुमका या बेरमो विधानसभा में किसी एक सीट पर उनको उम्मीदवारी का मौका दे। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि NDA के झारखंड में पुनर्गठन से बिहार में भी बीजेपी को लाभ मिलेगा। झारखंड के उग्रवादियों तक पहुंची चीन निर्मित AK-47, म्यांमार के रास्ते होती है सप्लाई। पश्चिम सिंहभूम के और नक्सल प्रभावित गुदड़ी के जंगलों में उग्रवादी संगठन PLFI के साथ मुठभेड़ के बाद एक अस्थायी कैंप से पुलिस ने AK-47 बरामद की। चीन निर्मित इस AK-47 की बरामदगी के बाद पुलिस के कान खड़े हो गए हैं और अमेरिका, रूस, जर्मनी और म्यांमार आर्मी के हथियारों का कनेक्शन पूर्व में झारखंड से जुड़ता रहा है। उग्रवादियों और माओवादियों से इन देशों के हथियार और गलियों की कई बार पुलिस बरामद कर चुकी है, लेकिन चीन निर्मित AK-47 झारखंड में पहली बार मिली है। गृह विभाग के एक वरीय पदाधिकारी के अनुसार उग्रवादियों के कैंप से मिली डायरी और उनसे पूछताछ कर यह जानने की कोशिश की जा रही है कि चीन की हथियार की सप्लाई उन तक कैसे पहुंची। झारखंड में 7 दिनों तक राजकीय शोक। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर सरकार ने उनके सम्मान में 7 दिनों का राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया है। सोमवार से 6 सितंबर तक राज्य के सभी भवनों जहां राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं वहां राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार के राजकीय समारोह आयोजन नहीं किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, उपायुक्तों, SSP और SP की जानकारी दी गई है।
झारखंड उपचुनाव बीजेपी आसू और जेडीयू में बनेगी बात। झारखंड में विधानसभा की दो सीटों पर उपचुनाव है, इसको लेकर मंथन का दौर जारी है। बीजेपी हर हाल में चुनाव में जीत दर्ज करना चाहती है, वहीं जेडीयू भी एक सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। आसू भी एक सीट की ख्वाहिश रखती है। हेमंत सोरेन ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, बोले सब भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जीएसटी के मसले पर सभी राज्य की अपनी अपनी बातें हैं। अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी जिसमें विभाग के मंत्री ने हिस्सा लिया था। कुल मिलाकर कहा जाए तो राज्य तो छोड़िए, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है और केंद्र सरकार पूरी तरह विफल है। उन्होंने यह कहा कि स्थिति यह आ गई है कि आने वाले समय में देश को और बुरे वक्त से गुजरना पड़ेगा, सब भगवान भरोसे छोड़ दिया जा रहा है। जिस तरह से राज्य सरकार को उलझने की कोशिश है, जीएसटी पर राज्य सरकार को फिर से उलझाने का काम किया है उनके चालों, और हम लोग गंभीरता से बात को रखेंगे, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जीएसटी में राज्य के हिस्से को लेकर शुरू सियासत, उचित मुआवजे की मांग को लेकर तनातनी। झारखंड को जीएसटी का हिस्सा केंद्र से नहीं मिलने पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने केंद्र पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि जीएसटी का हिस्सा नहीं मिलने से राज्य को केंद्र पर विश्वास कम हो जाएगा। आप जब जीएसटी बनाकर राज्य सरकार का टैक्स का संसाधन ले रहे थे, तभी आपने कहा था कि राज्य सरकार का अगर फायदा नहीं हुआ तो मुआवजा दिया जाएगा। अब बैग के बाद बच्चों को मिलेगा स्कूली किट। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को विद्यालय किट प्रदान किया जाएगा। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की ओर से विभाग को राशि भेजी गई है। विद्यालय किट में नोटबुक, पेन, पेंसिल बॉक्स, रबड़, कटर और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होगा। कक्षा 3 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को ही इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दिया जाएगा। झारखंड के हर जिले से 2 शिक्षकों को मिलेगा कोरोना शिक्षा योद्धा पुरस्कार, मांगे गए नाम। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के सौजन्य से अब शिक्षकों को कोरोना शिक्षा योद्धा के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस संदर्भ में राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने सभी जिला शिक्षक पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को एक पत्र लिखकर शिक्षकों के नाम का कोरोना शिक्षा योद्धा पुरस्कार से मनोनीत करने को कहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का आज से इन राज्यों को करोड़ों लोगों को मिलेगा फायदा। तो आइए जानते हैं किन लोगों को मिलेगा फायदा। देश में 31 मार्च 2021 तक 21 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से जोड़ने का प्लान है। इस योजना से जुड़ने के बाद देश की आधी से ज्यादा आबादी को मोदी सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिलेगा। आज से 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का हिस्सा बन गए हैं। इन दोनों राज्यों को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के पोर्टेबिलिटी सेवा से जोड़ दिया गया है। शहरी प्रवासी कामगारों को मिलेगा 100 दिन का रोजगार। कोरोना काल में बेरोजगारी होकर दूसरे शहरों से लौटे शहरी क्षेत्र के प्रवासी कामगारों को नगर निगम में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इस संबंध में नगर निगम में नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से सोमवार को 2 दिवसीय ऑनलाइन उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारम्भ हुआ। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 6 साल पूरा होने पर सरकार ने खाताधारकों को वो दिया बड़ा तोहफा, जाने क्या होगा फायदा। केंद्र सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन धन योजना के 6 साल पूरा होने पर खाताधारकों को कुछ और सुविधाओं समेत बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत सरकार ने 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खाता के लिए रुपे कार्ड का मुफ्त आकस्मिक बीमा कवर देने का फैसला किया है। इसके साथ ही ओवरड्राफ्ट की सीमा भी बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी है और बिना किसी शर्त 2,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की गई है। मनरेगा के तहत 1 माह में 10 लाख को रोजगार देने का लक्ष्य।
मनरेगा कर्मचारियों के हड़ताल से मनरेगा का लक्ष्य और श्रमिकों का रोजगार प्रभावित नहीं हो, इस दिशा में ग्रामीण विकास विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अपनी सोशल ऑडिट यूनिट को सक्रिय किया है। इतना ही नहीं बल्कि बदलती हुई परिस्थिति में लक्ष्य को नए सिरे से निर्धारित करते हुए अगले एक माह में 10 लाख मजदूरों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। इसकी मियाद 16 सितंबर तक की गई है। खबर है बिहार से, मछली पालन के लिए 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी, जाने कैसे करें आवेदन। बिहार में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। खासकर ग्रामीण वर्ग के लोगों में मछली पालन के लिए जोर दिया जा रहा है। सरकार इसके लिए कई तरह की सब्सिडी दे रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार ने इस योजना के तहत प्रदेश के इच्छुक किसानों से आवेदन मांगा है। इसके तहत जो किसान भाई मछली पालन पर सब्सिडी चाहते हैं वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। खबर है उत्तर प्रदेश से, 1 सितंबर से LPG सिलेंडर की कीमतों में क्या बदलाव, जाने। अधिकांश महानगरों में 1 सितंबर से गैर सब्सिडी वाले लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव नहीं हुए। यह जून और जुलाई में मामूली वृद्धि के बाद LPG की कीमतों में करीब करीब कोई बदलाव नहीं हुआ है। वर्तमान में गैर सब्सिडी वाले LPG रिफिल सिलेंडरों की कीमतें देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग होती है और हर महीने में संशोधित की जाती है। खबर अब देश दुनिया से, 3 सितंबर को बैंकों के साथ वित्त मंत्री की अहम बैठक, लोन पर हो सकता है ये बड़ा फैसला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों का अधिकारियों और NBFCs के साथ एक बैठक करने वाली है। ये बैठक 3 सितंबर को होगी। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि 31 अगस्त को मोरेटोरियम के खत्म होने के बाद हो रही है। इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। हालांकि मोरेटोरियम को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी या नहीं इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग पर बात होने की पूरी उम्मीद है। कोरोना संकट काल के दौरान सरकार ने कारोबारियों से लेकर आम आदमी तक को कई राहतों का ऐलान किया था। इन ऐलानों के बाद बैंकों की ओर से कर्ज मुहैया कराया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत तहत शुरू की गई स्कीमों की समीक्षा कर सकती है। WHO का आया बड़ा फैसला, COVID-19 महामारी के बीच सोसाइटी को ज्यादा तेजी से खोलना विनाशकारी होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कोरोना वायरस की महामारी के बीच समाजों को इतनी जल्दी खोलना तबाही का कारण बनेगा। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गब्रियसस ने सोमवार को जोर देकर कहा है कि जो देश लॉकडाउन खोलने के प्रति गंभीर है उन्हें संक्रमण को संक्रमित नियंत्रित करने के लिए भी गंभीर होना चाहिए। उन्होंने कहा इसे संतुलित करना असंभव नहीं है। JEE एग्जाम 2020 हर शिफ्ट के बाद पूरा परीक्षा केंद्र होगा सैनिटाइज, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था। 1 सितंबर से देश भर में JEE की परीक्षा शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा से पहले और परीक्षा के बाद परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज किया जाएगा। परीक्षा केंद्र फर्श, दीवारों, फर्नीचर, लिफ्ट, सीढ़ियां और रैम सभी को पूरी तरह से सैनिटाइज करने की व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए JEE परीक्षाएं 10 अलग अलग शिफ्ट में कराई जा रही हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के महानिदेशक विनीत जोशी ने कहा JEE परीक्षाएं करवाने के लिए हमने 10 शिफ्ट तय किए हैं। हर शिफ्ट के लिए 615 केंद्र बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 1 सितंबर से सस्ती हो गई है शराब, नई नीति लागू, अतिरिक्त 50% ड्यूटी वापस। प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू होने के साथ ही 1 सितंबर से शराब भी सस्ती हो गई है। कोरोना संक्रमण नुकसान की भरपाई के लिए लगाई गई अतिरिक्त शराब ड्यूटी को तत्काल हटा दिया गया है। सरकार के विभिन्न प्रकार की शराब के MRP पर 50% अतिरिक्त टैक्स लगाया गया था जिसे अब वापस ले लिया गया है। आबकारी नीति 2020-2021 के तहत शराब के कारोबारियों से लेकर संबंधित उद्योग के समस्याओं को दूर करने की व्यवस्था की गई है। शराब बिक्री के लाइसेंस आवंटन में भी पहले से ज्यादा पारदर्शी व्यवस्था होगी। लाइसेंस आवंटित में वंचित वर्ग के लोगों को आरक्षण का प्रावधान भी रखा गया है। इन नीति के अनुसार लाइसेंस का नवीनीकरण भी तय नियम के अनुसार ही होगा। और ट्रेन चलाने पर विचार, अमित शाह के मंत्रालय से मंजूरी का इंतजार।
भारतीय रेलवे जल्द ही करीब 100 और ट्रेन चलाने पर विचार कर रहा है। इन ट्रेनों में अंतर्राज्य और एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाली ट्रेन भी होंगी। सूत्रों के अनुसार रेलवे ने यह प्रस्ताव अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेज दिया हुआ है। जैसे ही वहां से मंजूरी मिलती है वैसे ही रेलवे द्वारा इसका ऐलान कर दिया जाएगा। ये सभी ट्रेनें विशेष ट्रेनें कहलाएंगी। खबर है ईंधन से। सितंबर के पहले ही दिन बढ़ गए पेट्रोल के दाम, जाने क्या है रेट। सितंबर महीने की शुरुआत पेट्रोल के बढ़े दाम के साथ हो रही है। मंगलवार को एक बार फिर पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने मंगलवार पेट्रोल की कीमतों में 5 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है। बताते चलें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में लगातार तेजी जारी है। कच्चे तेल की कीमतें 5 महीने की ऊंचाई के करीब जा चुकी है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमत मंगलवार को क्रमशः 82.08 रुपये, 83.57 रुपये, 88.73 रुपये और 85.04 रुपये प्रति लीटर बनी रही। रविवार को कंपनियों ने दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल के दाम में 9 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी, जबकि मुंबई में पेट्रोल का दाम 10 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया था। चारों महानगरों में डीजल की कीमत क्रमशः 73.56 रुपये, 77.06 रुपये, 80.11 रुपये और 78.86 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज पर ब्रेंट क्रूड के नवंबर डिलीवरी अनुबंधन में पिछले सत्र के मुकाबले 0.57% की तेजी के साथ $46.07 प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था, जबकि कारोबार के दौरान ब्रेंट का भाव $46.12 प्रति बैरल तक उछला। खबर है मौसम से। मौसम का बदला मिजाज, गर्मी से लोग परेशान। मंगलवार का दिन उमस भरा रहा। सुबह से ही चिलचिलाती धूप ने लोगों का पसीना निकाल दिया। बीच बीच में चल रही हवा भी उमस से राहत नहीं दे सकी। सुबह जब लोग नींद से उठे तो चिलचिलाती धूप खिल रही थी। आसमान में दूर दूर तक बदरा नजर नहीं आए। ज्यों ज्यों दिन चढ़ता गया सूर्य देव की तापिस भी बढ़ती गई, जिससे लोगों का पसीना बह गया। उमस भरी गर्मी का आलम यह था कि न घर में चैन मिल रहा था और न ही घर के बाहर। हवा भी रुक रुक कर चल रही थी, लेकिन वह भी उमस से राहत नहीं दे सकी। दोपहर के समय जब सूर्योदय ने आग उगलती तो सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। जरूरतमंद लोग भी घरों से निकले। महिलाएं छाता लगाकर घर से निकली, वहीं गली मोहल्लों में भी सन्नाटा पसरा रहा। दिन ढलने पर उमस जरूर बरकरार रही, लेकिन सड़कों पर चहल पहल नजर आई। शाम को हवा पूरी तरह से बंद हो गई, जिससे उमस और बढ़ गई। खबर है बिजली से। सामान्य स्तर के करीब पहुंची बिजली खपत, अब रह गया केवल इतना अंतर। आर्थिक गतिविधियां बढ़ने के साथ बिजली खपत अगस्त में कोविड 19 के पहले के स्तर पर लगभग पहुंच गई है। पिछले महीने कुल बिजली खपत 110.57 अरब यूनिट रही, जो पिछले साल के इसी माह के मुकाबले महज 0.85% कम है। उम्मीद है कि इस महीने यह सामान्य स्तर से ऊपर पहुंच जाएगी। बिजली मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार पिछले साल अगस्त महीने में बिजली खपत 111.52 अरब यूनिट थी। आंकड़ों के अनुसार सरकार के आर्थिक गतिविधियां में छूट और उमस भरी गर्मी के साथ बिजली खपत विशेष रूप से अगस्त महीने में बढ़ी। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए 25 मार्च से लॉकडाउन लगाया था। इससे वाणिज्य और औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हुई। इस कारण बिजली मांग के साथ खपत कम हुई। जुलाई महीने में बिजली खपत में कमी का अंतर कम होकर 3.6% पर आ गया था। इस दौरान बिजली खपत 112.24 अरब यूनिट रही, जबकि एक साल पहले 2019 के इसी माह में खपत 116.48 अरब यूनिट थी। 100 और ट्रेनों को चलाने की तैयारी में रेलवे, तैयारियां पूरी। एक तरफ जहां देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं स्थिति को सामान्य करने की भी कोशिश लगातार चल रही है। फिलहाल देश अनलॉक 4 में आगे बढ़ रहा है। इस अनलॉक में कई चीज़ों में छूट दी गई है, ताकि जनजीवन को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे भी बहुत जल्दी 100 और नई ट्रेनों के चलाने की घोषणा कर सकता है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में त्योहार का मौसम है, लोगों को आवागमन की सुविधा मुहैया कराया जा सके, इसके लिए रेलवे पूरी तरह से तैयारियां कर रहा है। फिलहाल कोरोना महामारी को देखते हुए रेलवे ने सिर्फ 230
ट्रेन ही चलाने का फैसला लिया है। यह सभी ट्रेनें स्पेशल ट्रेन की तरह चलाए जा रहे हैं। खबर है बैंक से, साइबर सिक्योरिटी। अब कार्ड क्लोनिंग के जरिए बैंक खातों से पैसा निकालना होगा मुश्किल। खबर है बरेली से, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए विशेष व्यवस्था की है। उसका एटीएम कार्ड और पिन चोरी होने पर भी खाते की रकम सुरक्षित रहेगी। एटीएम से रकम निकालने के लिए पिन के साथ ही एक ओटीपी नंबर भी डालना होगा। ओटीपी नंबर नहीं होने पर मशीन रुपये नहीं निकालेगी। इस व्यवस्था से एटीएम क्लोनिंग और पिन हैक होने का डर ग्राहकों को नहीं रहेगा। अपने ग्राहकों को फ्रॉड से बचाने के लिए SBI की यह सुविधा रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक के लिए की है। इस अवधि के दौरान अगर SBI का कोई ग्राहक ATM से रुपये निकालता है तो पिन डालने के बाद बैंक एक OTP नंबर उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, जिसे डालने के बाद ही ATM से रकम निकल पाएगी। कोई भी खातेदार रात के समय इमरजेंसी में ही ATM से रुपये निकालता है। रात के वक्त ATM से फ्रॉड की सबसे अधिक संभावना रहती है। ATM में लगे CCTV कैमरों में रात के वक्त स्पष्ट तस्वीर नहीं आती है। ठग आसानी से लोगों का कार्ड बदलकर पिन देख लेते हैं। कई बार खातेदार की मदद के बहाने ठग उसके ATM कार्ड से रकम निकाल लेते हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।